एक तरफ शहर में गली मोहल्ले तक कोरोना का आतंक है, तो वही इससे प्रभावित शहर के व्यापारी लॉकडाउन को लेकर काफी चिंतित है। इतवारी के रास्तों पर आकर तमाम सराफा व्यापारियों ने लॉकडाउन को लेकर सरकार और प्रशासन का तीव्र विरोध जताते हुए आंदोलन किया है। शहर में कोरोना महामारी अपने पांव इस कतर फैला रही है, मानो धीरे धीरे वह सभी को अपने आगोश में लेकर मौत की नींद सुला रही है। राज्य में शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार और प्रशासन से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है, तो वही शनिवार और रविवार को कड़क लॉकडाउन भी लगाया गया है। लॉकडाउन लगने से शहर का सराफा मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है। सराफा व्यापारियों के और बाकी बिजनेस करने वाले व्यापारियों पर सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते चेन को रोकना है तो व्यापारी बंद करना कितना उचित है, जबकि सरकारी कार्यालय खुले हैं, किराना, सब्जी, फार्मेसी आदि जगहों पर लोगों की भीड़ नहीं होती है क्या? क्या सिर्फ व्यापारियों से ही कोरोना बढ़ रहा है? ऐसे कई सवाल सरकार और प्रशासन से करते हुए रितेश मोती और राजेश रोकड़े, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरी, इन्होंने की हुई सराफा व्यापारियों से बातचीत। ये सरकार का जो आदेश है कि आप व्यापार बंद करें और कोरोना भगाएं, तो व्यापार भगा के कोरोना जाएगा नहीं कि व्यापार बंद किया जाए और कोरोना जाए। सरकार अगर इसकी गारंटी देती है कि हम 15 दिन या 20 दिन बंद करने के बाद एक भी केसेस नहीं आएंगे, तो शहर का हर नागरिक इसके लिए तैयार है। तो गिरीश भाई, हमने इनसे बात की, अब हम बात करना चाहेंगे राजेश रोकड़े जी, इस समय में हमारे साथ में। सर, ये बताए कि जिस तरह से पूरा कारोबार जो पूरा बंद किया है, आखिरकार ऐसी क्या वजह है? देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। सरकार ने व्यापारियों को विश्वास में न लेते हुए पूरी तरह से व्यापारियों का व्यापार ठप्प कर दिया है, जिस वजह से व्यापारी वर्ग पूरा नाराज है, क्योंकि कोरोना से सबको लड़ना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और पिछले एक साल से व्यापारी पूरी तरह से खंधे से खंधा मिला के आज सरकार शासन प्रशासन के साथ खड़ा ही है, परंतु जो विश्वास में न लेते हुए आज जो लॉकडाउन, एक प्रकार से भले ही उन्होंने लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन बोला है, परंतु जो व्यापार जो बंद हुआ है, इससे ये समझ में आता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। व्यापारियों की एक ही मांग है कि सरकार किसी भी तरह से इस लॉकडाउन को शिथिलता दे, एटलीस्ट दिन में 6 घंटा हमें काम करने की परमिशन दे, जिससे कि हम हमारे कर्मचारियों का पगार, गवर्नमेंट टैक्सेस वो सब अदा कर सके। राजेश जी, ये बताइए कि आप ऐसा बोलते हो, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब से व्यापार शुरू हो गया है, हर तरफ काफी भीड़ बढ़ गई है, हो सकता है कि कोरोना को संक्रमण बढ़ाने के लिए भी ये व्यापार शुरू रहने से ये कामकाज हो रहा है, ऐसा उनका मानना है? एक भी केस व्यापारियों के यहाँ ऐसी नहीं हुई है कि व्यापारियों के वजह से कहीं किसी को कोरोना हुआ हो। देखिए, यह जो कोरोना बड़ा है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादियों में, कहीं ना कहीं पार्टियों में, कहीं ना कहीं राजकीय जो जमावट होता था, उस वजह से यह कोरोना बड़ा है और प्रशासन इसमें विफल रहा है। प्रशासन की गलती के भुगतान व्यापारियों पर डालना यह उचित नहीं है। क्या रणनीति रहेगी, क्या उग्र ऐसा आंदोलन करने वाले हो क्या भविष्य में? निश्चित तौर पे हमारे पास अभी ऐसी स्थिति हो गई है, मरने जैसी परिस्थिति आ गई है, तो हम जितना हो सके हमारे तरफ से जान लगा के इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं, और रोज हम अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शासन प्रशासन के सामने रखने वाले हैं। हम हमारा भी ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे, कोविड के नियमों का भी पालन करेंगे। तो आप थे राजेश रोकड़े, जिन्होंने ये बात कही है कि ये शासन प्रशासन ने जो मतलब आदेश दिया उसका पालन जरूर करेंगे, लेकिन बशर्ते व्यापार को शुरू करना होगा, कि यदि व्यापार बन रहा तो व्यापार से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनके ऊपर में भूखमरी की नौबत आ सकती है, और कई ऐसे परिवार हैं जिनका गुजर बसर करना भी उन्हें महंगा हो रहा है इस कोरोना कार्यकाल में व्यापार को लेकर। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और व्यापार इनके बीच में जो बात है वो कहाँ तक इनका अच्छा सोल्यूशन निकलता है और कोरोना का संक्रमण कैसे बढ़ सकता है। सराफा मार्केट से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।